दो मतलब दो मतबैरी खती मसावत की तकसीम किस तरह बनाई जाती है ये देख चुके हैं, किस तरह से निकाह को मुरतब किया जाता है तकसीम कागज मुहतरी किस तरह से जोड़े जाते हैं निकाह। ठीक है, आज हमको देखना है दो मतबैरी खती मसावतें हल करने का तकसीम तक, यानी तकसीम के तरीके से हम किस तरह दो मतगैरी खती मसावत को हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने आपकी किताब में सफ़ा नंबर 7 पर एक मिसाल दी गई है, उसको समझेंगे। दो मसावतें दी गई है, एक मसावत है x जमा वाई बराबर 4 और दूसरी मसावत है 2x वजा वाई बराबर 2। x जमा वाई बराबर 4, दूसरी मसावत है 2x वजा y बराबर 2। ठीक है, अब ये दोनों मसावतों को हम तकसीम का इस्तेमाल करते हुए किस तरह हल करेंगे। सबसे पहली चीज़ को ये करना है हमको कि इनका एक जुजूल तैयार करना है, हर मसावत का एक जुजूल बनेगा जिसमें हमको नुकात की मुरतब जोड़ियाँ हासिल होंगी, जैसे इससे पहले हमने किए। फिर यहाँ पर x जमा y बराबर 4 है, इसकी क्या जोड़ियाँ बन सकती है, देखिए 2 जमा 2 बराबर 4, 4 वो तो 3 कीमतें, 4 कीमतें यहाँ पर हमको x की निकालना होगी। फर्स्ट कीजिए, पहले हम x बराबर 0 लेते हैं, पहले क्या लीजिए हम x बराबर सॉरी वाला 4 है, वाला 1 है, x बराबर वाला 1। तो अब x की जगह क्या डालेंगे, वाला 1 जमा y बराबर, वाला 1 को कर लो y बराबर 4 जमा 1 बराबर मतलब एक्स बराबर लेंगे हम 4, 4 जमा वाई, एक्स की जगह 4 डाले, 4 को कर लो वाई बराबर 4 वर्गा 4 वाई बराबर, तीसरी कीमत लेंगे 1, एक्स बराबर 1, तो वजा 1 सॉरी यानी वजा 1 लेंगे अब 1 लेंगे, तो 1 जमा वाई बराबर 4, लो 1 को इधर y बराबर 4 वगा 1 जमा 1 का क्या हो गया वगा 1, 4 में से 1 गया तो 3 बचे। इस तरह से इसकी कीमतें निकालनी है, ये 1 कीमत, ये 2, ये 3। अच्छा, जब भी कीमतें लेना है आपको तो कंटिन्यू वाली कीमत मत लो, जैसे हमने पहले वजा 1 लिए फिर बहुत दूर 4 लिए फिर क्या लिए जमा 1, इस तरह से दूर दूर की कीमतें लेनी, कंटिन्यू वाली कीमतें नहीं लेना। ठीक है, अब वो ले लेंगे 6, एक्स बराबर कितनी लेंगे 6, यानी 6 जमा वाई बराबर 4, फिर 6 को इधर ला लो तो वाई बराबर 4 वर्गा 6 वाई बराबर 6, 4 में से 6 ले लो होता है, इस तरह से इसका जुजूल तैयार करेंगे। यहाँ कर देते हैं एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, पहले कितने लिए एक्स वाला 1 लिए, वाई कितने मिला 5, यानी वाला 1 कॉमा 5, फिर एक्स लिए 4, वाई कितना मिला 0, 4 कॉमा 0, फिर एक्स लिए 1, वाई कितना मिला 3, 1 कॉमा, फिर x लिए 6, y मतलब वर्गा 2 यानी 6 कॉमा। अब ये निकाल यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं वर्गा 1, ये वर्गा 1 और क्या है 5, यानी यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर 4 कॉमा 0 यहाँ पर आएंगे और ये 4 एक्स मोहित 4 है और वाई मोहित 0 है, तो यहाँ पर आया ना 4 कॉमा 0, फिर है 1 कॉमा 3, 1 एक्स का 1 और वाई का। ठीक है, फिर 6
वो अलग है, एक्स का 6 और वाई का, तो ये एक्स का 6 और वाई का अलग है एकदम यहाँ पर एकदम ये अपने चलिए ये तीनों को जोड़ देना है। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि भाई ये कौन सी मसावत का खत है, तो ये है एक्स जमा हुआ है बराबर 4 इस मसावत का। जो मोहते लिख देते हैं वजह 1.5 1.3 4.0 और 6.0। ठीक है, अब दूसरी मसावत देखेंगे, 2x वजह वाई बराबर 2। ठीक है, अब x की 3 गिनते लेंगे यहाँ पर और y की 3 गिनते मालूम करेंगे। पहले लेते हैं x की कीमत 0, तो 2 तरफ 0 वाला y बराबर 2, 2 सिफर सिफर वाला y बराबर 2, तो y का वाला इधर चले जाएगा यानी y बराबर 16। ठीक है, अब लेंगे x की कीमत 1, एक समझिए तो 2 बराबर 1 वाला वाई बराबर 2, 2 एक 2 वाई 2 वाला 2 वाला वाई बराबर 0 यानी वाई बराबर। ठीक है, फिर 3 लेंगे, x बराबर 3, तो 2 बराबर 3 वाला वाई बराबर 2, 2 की 6 वाला वाई बराबर 2, 6 वाला का वाला वाई बराबर 2 वाला 6 वाला वाई बराबर वाला का वाला वाला कैंसिल वाई बराबर। फिर वाला 1 लेंगे, 2 बराबर वाला 1 वाला वाई बराबर 2, 2 एक 2 वाला 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 इधर लाओ वाला वाई बराबर वाला का क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा 2 जमा 2 वाई बराबर 4 वाला इधर ला लो वाई बराबर। इस तरह से 4 की जी दी उनको, अब इसका एक बिंदु बना लेंगे यहाँ पर, एक्स पे के लिए वाई कितना मिला, 0 मिला। फिर एक्स टी के लिए एक्स कितना मिले, 3, तो वाई कितना मिला, 4, 3.4। फिर एक्स वाला 1 के लिए वाई कितना मिला, जीरो कॉमा वाला 2, एक्स मोर्टी 0 और वाई मोर्टी 2, यानी ये यहाँ एक्स मोर्टी ये 0 है, वाई मोर्टी 2 यहाँ कौन मिला, 0 कॉमा वाला 2। फिर 1.0 एक्स मोर्टी 1 वाई मोर्टी 0 यानी यहाँ पर क्या है
एक कॉमा तीन, फिर एक्स मतलब तीन, वाई मतलब चार, यानी ये तीन अभी चार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये तीन एक्स का और वाई का चार, फिर वाला एक और वाला चार, वाला एक ये है एक्स का और वाला चार ये है वाई, ठीक है, इसके वाला एक कॉमा वाला चार। अब ये निकात को जोड़ देते हैं, तरह से हमको उसी मसावात का ये पथ मिल गया। इसके मसावात भी लिख सकते हैं दो एक्स वाला वाई बराबर दो, इस मसावात का ही पथ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये दोनों खत एक दूसरे को एक नुक्ते पर पता करते हैं, वो नुक्ते का एक्स मूल्य क्या है दो है और वाई मूल्य क्या है, मतलब ये हुआ कि इस मसावात का जो मुश्तरक हल है, ये दोनों मसावातों का मुश्तरक हल क्या है, दो कौमा दो है। इस तरीके से हमने क्या किया, दो मुतवैन खती मसावातों को हल करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किए, तरसीदी तरीका है। इसमें आपको तरह से नुकात की मुरतब दूरियाँ निकालना पड़ती है और तरसीमी कागज़ पर ये दोनों खतूत की तरसी खींचनी होती है। दोनों खतूत क्या करते हैं, एक दूसरे को एक नुकते पर फिटा करते हैं, वो नुकता क्या होता है, उस उन दो मुतगैर खती मसावातों का हल होता है। जैसे इस सूरत में हमको हल गया मिला दो कौमा दो, यानी एच मुहदित दो है और वाई मुहदित दो है, इस मसावात का ये हल, ठीक है। तो इसको उसकी तरकीब करके देखते हैं, यानी दो कौमा दो ये दोनों नुकात दोनों मसावातों को क्या करते हैं, मुतमईन करते हैं। इसकी तस्दीक का सवाल थी अपनी एक्स जमा वाई बराबर चार, इसी मसावा दो एक्स बोला वाई बराबर दो, ये दो अभी इनकी पहले क्या करेंगे जमा दो मसावा एक और मसावा एक और दो की क्या करेंगे जमा, तो एक्स जमा वाई बराबर चार, दो एक्स बोला दो, दो एक्स बोला वाई बराबर दो, दो एक्स में एक मिला तो तीन एक्स हो गए, जमा वाई बोला वाई कट गए चार और दो छः बटे मिला एक्स बराबर छः बटे तीन, तीन एक तीन तीन छः देखिए एक्स जीवन दो आ गई बीच में। अब ये एक्स की जीवन मसवा एक ही रखेंगे, ये मसवा दो हो गए मसवा एक ही एक्स बराबर कितने रखेंगे दो, मसावादी क्या है अपनी एक्स जमा हुआ है बराबर दो, एक्स की जगह दो डाल देंगे, ठीक है, तो दो जमा हुआ है बराबर दो और दो की एक चार है, एक जमा हुआ बराबर चार, दो को इधर लाओ वाई बराबर चार होगा दो, यानी वाई बराबर ना चार में से दो बजे दो, तरह से वाई मतलब को कितना मिला हमको, मतलब ये हुआ कि हमने जो तस्वीर तरीके से कि मसावात को हल किए थे वो हल कैसा है, दुरुस्त है सही है। तो इस तरीके से आप दी गई दो मुद्दा गए सभी मसावातों को तस्वीरी तरीके से हल कर सकते हैं। इसके लिए हल करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो आपको मुरतब दूरियाँ निकालनी होगी मसावातों की, नुकात की महदीन की, तस्वीर पर बात नुकात हर नुकता क्या करता है, हर इस मसावात को मुतमईन करता है, चाहे ये नुकता लो चाहे ये चाहे ये तीन चारों नुकात किसको मुतमईन करेंगे एक्स जमा वाई बराबर चार को, और ये चारों नुकात किसको मुतमईन करेंगे दो एक्स वाला वाई बराबर दो, और ये जो नुकता है दो कौमा दो ये दोनों मसावातों को मुतमईन करता है, इसलिए ये दोनों मसावातों का मुश्तरक हल है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, इसमें एक एक्टिविटी दी गई है इसको हमें हल करना है। अमरीका हम देखते हैं जिसमें दो मुतगैर
खती मसावातों के तरसीमी हल के लिए ये जुदूल दिए गए हैं, ये जुदूल हमें मुकम्मल करना है। जैसे पहली मसावात दी गई है 5x+3y=1, इस मसावात का जुदूल में कुछ कीमतें दी गई हैं और कुछ कीमतें मालूम करना है। जैसे यहाँ पे x की कीमत दी गई है तो y मालूम करना है, यहाँ y की कीमत दी गई है 8x मालूम करना है, y की कीमत दी गई है 2x मालूम करना है, x की कीमत 4 है तो y मालूम करना है। उसी तरह से इस मसावात में भी इसका जुदूल मुकम्मल करना है। चलिए तो मुकम्मल करते हैं इसको, हम इल्ज़ाम को 5x+3y=1 ये हमारी जो मुतरिए खती मसावात है। इसमें पहले x की कीमत क्या देंगे 2 देंगे,3y=1 5 2 3y=1 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10 9 10
तो 5x + 3 = 8 = 1, 5x + 8 किया 24 = 1, 24 को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा जमा 24, 5x = 24 और 1 = 25, 5/25 = 25, 8×25 x की कीमत मिलेगी आपको 5। से 5.8 अब लेना है y की कीमत 2, 5x + 3 ब्रैकेट में 2 = 1, 5x + 3 = 6, 6 को इधर ला तो राइट हैंड साइड की तरफ 5x = 1 = 6, 5x = 6 में से 1 = 5/5, 5×5 = 6 क्या मिलेगा 1/6, ठीक है। अब y की कीमत लेना है 1/4, y = 1/4, ठीक है। 5x + 3 ब्रैकेट में 1/4 = 1, सॉरी x की कीमत ये y की कीमत नहीं है, x की कीमत x = 5 ब्रैकेट में 1/4 = 3 y = 1, 5×20 = 3 y = 1, राइट हैंड साइड की तरफ का 20 को 3y = 1 = 3, 20 का क्या हो गया जमा 21, 3y = 21, 3 को बटे मिलाओ y = 21/3, 3×3 = 21, y की कीमत मिल गई आपको 1/2, 1/2, 1/4, ठीक है। क्योंकि पहला जुगुर, अब दूसरे जुगुर को देखिए सिंपल है, x = y = 1, पहले x की कीमत क्या लेंगे 0, 0 = y = 1, 1 = 1, 1 इधर शिफ्ट कर दो, फिर y की कीमत लेना है 0, x = 0 = 1, x = 1 जमा, ठीक है। फिर x की कीमत लेना है 3, 3 y = 1, y = 1 3 हो गया, 2 y = 2 y = 2, 1, 0, 3, 2, अब लेना है y की कीमत 3, x = 3 = 1, 1 + x = 3 = 1, ठीक है। 3 को इधर लाओ, x = 1 + 3 = 3 हो गया x = 3, तरह से ये हो गए मुकम्मल। इस तरीके से आप
दी गई मरबी मसावातों के तरसीमी हल के लिए जिदुल को मुकम्मल कर सकते हैं। इसी पर मबनी आज का आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये होमवर्क आपको ग्रुप पर शेयर करें। तरसीमी तरीके से हल करने के लिए जदवल मुकम्मल कीजिए। यही मसावात है 14 y = 4। दूसरी मसावात है एक्स जमा वाई बराबर टी, ठीक है, इसका भी जरूर मुकम्मल करें। एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, एक्स तीन है तो वाई कितना होगा ये मालूम करिए, फिर वाई पाँच है तो एक्स कितना होगा ये मालूम करिए, y 3 है तो x कितना होता है ये मान लीजिए। ये जरूर हल करके जिस तरह से हमने अभी हल किए थे उस तरीके से हल करके आपको उसका फोटो ग्रुप पर शेयर करना है। आइंदा वीडियो में हम मश्क 1 / 2 देखेंगे।